ये केक नहीं है, ये 500 रुपए का आलू पराठा है फाइव स्टार रेस्टोरेंट से, और ये हमारे हल्दीराम से 100 रुपए का आलू पराठा, और ये लोकल स्टोर से 40 रुपए का आलू पराठा। तो चलिए देखते हैं कि आलू पराठा भी 500 रुपए का हो सकता है। उससे पहले हम अपने दो देख लेते हैं, 40 रुपए वाला खोलते हैं और एक 100 रुपए वाला देख लेते हैं। तो हमारे ये 40 रुपए का एकदम नॉर्मल पैकेजिंग, अच्छी सी, तो गर्मा गर्म है। और ये हमारी दही, ये देखो 40 रुपए में इतना बड़ा पराठा। तो ये दही निकाल लेते हैं। ये कौन सी दही है? ये दही है, लस्सी है? अरे तो लस्सी भी दही की रहती है ना पगली। ओ हाँ, तो ये रही हमारी दही और इतना बड़ा पराठा, इसको बाद में चखेंगे। अब बारी है हमारे 100 रुपए के पराठे की, जो कि हल्दीराम का है। इनकी पैकेजिंग ऐसी, दही और टिश्यू पेपर और स्पून। ये रहा इनका 100 रुपए का आलू पराठा। इनके दो पराठे दिए इन्होंने, देखो इनकी गाड़ी गाड़ी दही है ना। हाँ, इनकी गाड़ी दही है। अब बारी है हमारे 500 रुपए के आलू पराठे की। तो देखते हैं कि 500 रुपए में ऐसा क्या रहता है। फाइव स्टार होटल का कितना सही पैकेजिंग रहता है ना, एकदम ले देखो। ये इतना हैवी पराठा, सबको निकाल लो एक बार। तो ये है इनका आलू पराठा, और ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और ये दो अचार, और ये हमारा दही जो कि बहुत ज्यादा गाढ़ा है। तो 500 रुपए का आलू पराठा, इसमें भी दो है वो सही है, बट गीला हो गया पूरा नीचे से। अरे घी होंगी पगली वो। नहीं, आलू पराठा ही गीला हो गया। अच्छा, गरम गरम नहीं इसलिए क्या? हाँ शायद। तो चलिए गाइस अभी टेस्ट देखते हैं। 40 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए में, मेरे को 40 रुपए वाला दिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुमको सस्ते वाली हमेशा अच्छे लगते है। हाँ खाओ पहले और टेस्ट बताओ कौन सा वर्थ इट है। तो 40 वाला ही देखते है पहले। कैसा लगा आकांक्षा? अच्छा लग रहा है, लेकिन आलू का मिश्रण बहुत कम है और दही बहुत ज्यादा मीठी है, जैसे शुगर डाली हुई। हल्दीराम का टेस्ट करते हैं। इसमें तो सारी जगह आलू दिख रहा है, अच्छा लग रहा है पराठा। तो पराठा और ये हमारा गाढ़ा गाढ़ा दही। कैसा लगा कंचा? इससे तो मुझे 40 वाला टेस्ट में अच्छा लगा, लेकिन इसकी दही थोड़ी मीठी है। इसकी दही अच्छी है और ऑयली बहुत ज्यादा है हल्दीराम का पराठा। तो अब देखते हैं 500 रुपए का। बहुत जाड़ा और बहुत सारा फीलिंग है इसमें, और सॉफ्ट भी बहुत है। अरे वाह। हाँ, इसके साथ बहुत कुछ दिया भी है ना, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट दही में डालने के लिए। सो ये 500 रुपए वाला आकांक्षा, 500 रुपए का पराठा खा लिया आज तुमने? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अपने इधर जो 20 रुपए का पराठा मिलता है ना, उस टाइप का टेस्ट लग रहा है। ओए पागल औरत, 20 रुपए और 500 रुपए में कुछ फर्क है कि नहीं? तो वही तो समझाना चाहती हूँ कि 20 रुपए लायक भी टेस्ट नहीं आ रहा है इसका। मतलब इनका प्रेजेंटेशन, दिखावा वगैरह वगैरह बहुत अच्छा है, सब देने का तरीका, इतनी सारी चीजें दी हुई है, लेकिन जो टेस्ट एक्चुअल जो है पराठे में, वो पराठे में ही टेस्ट नहीं है। फिर ये अपना इधर जो है कौन सा? तो मेरे हिसाब से फिर तुमको 40 वाला पसंद आया। उसमें एक्चुअली पराठे का जो महक रहता है, पराठा जो आलू पराठा ब्रेकफास्ट में सब लोग को बहुत पसंद आता है, उसमें दम ही नहीं है बिल्कुल 500 रुपए में। और अपना हल्दीराम? हल्दीराम ठीक ठाक था, मतलब एवरेज है लेकिन बहुत ज्यादा ऑयली है। लेकिन अगर 500 रुपए के हिसाब से देखे तो इतना वर्थ इट नहीं है। 500 रुपए का पराठा, मतलब 250 रुपए का एक, 250 रुपए का एक पराठा। तो इस तरीके से कुछ है तो वर्थ इट नहीं है।